मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा पांचवी और आठवीं का रिजल्ट जारी हो गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने राजधानी भोपाल स्थित महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के सभागार में परीक्षा परिणाम घोषित किया। प्रदेश में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है, देखिए एक खास रिपोर्ट। एमपी बोर्ड में पांचवी और आठवीं की परीक्षा में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। पांचवी में 84.32 लड़कियां पास हुई है, जबकि लड़कों का रिजल्ट 80.34% रहा है। वहीं आठवीं में 78.86% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है और लड़कों का प्रतिशत 73.46 रहा है। पांचवी का रिजल्ट जो है 82% से ऊपर रहा है। पिछले साल से जरूर थोड़ी कमी दिखी होगी, लेकिन पिछले साल के उन शासकीय विद्यालयों की हमने परीक्षा ली थी, थोड़े रेगुलर थे क्योंकि पहला साल था, वर्षों बाद परीक्षा हो रही थी, इसलिए शुरू के साल में परीक्षाओं का भय नहीं बन जाए, इसलिए हमने उदारता दिखाते हुए सारा वो किया था इस कारण से। लेकिन इस साल हमने गुणवत्तापूर्ण हमारा जो है परिणाम रहे, अच्छा परिणाम रहे और परीक्षा जैसी परीक्षा हो उस प्रकार की हमने परीक्षा आयोजित करके परीक्षा ली है, उसका रिजल्ट है। जिस प्रकार से आठवीं में भी हम कहेंगे कि भाई 80% के लगभग हमारा परिणाम रहा है, दोनों परिणाम एक प्रकार से हमारे बच्चों को उत्साह को दिखाता है। बाकी जो आकलन किया है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का, मुझे लगता है कि अब मध्य प्रदेश के बेटे बेटियां ग्रामीण क्षेत्र में भी पढ़ने में किसी भी रूप में कमजोर नहीं है और उन्होंने इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के बेटे बेटियों ने मेहनत की है। जिस प्रकार से बेटियों का परिणाम अच्छा रहा है, ये जरूर हम सबके लिए है कि भाई बेटियां पढ़ने में आगे हो रही है। बेटे जरूर कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, मैं आज आपके माध्यम से उनसे कहूँगा कि बेटों को भी आगे बढ़ने के लिए और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए और तैयारी के साथ में अगले साल का परिणाम सबका अच्छा है। और मैं कहूँगा कि भैया सी या 80% तक नहीं तो 95-96% तक मध्य प्रदेश के हमारे पांचवी और आठवीं के बेटे बेटियां भी से तैयारी करें और अच्छा परिणाम लाएंगे। मेरी ओर से ऐसी सबको शुभकामनाएं। एमपी बोर्ड परीक्षा में ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। पांचवें ग्रामीण क्षेत्र में 86.58%, जबकि शहरी क्षेत्र में 72.73% रहा है। वहीं आठवीं में ग्रामीण क्षेत्रों में 78.96%, जबकि शहरी क्षेत्रों में 68.86% रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ भोपाल।